जय हिंद, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे तेजस स्पोर्ट के बारे में। इसके अलावा पाकिस्तान के एक झूठ पर भी हम चर्चा करेंगे जो आज तक हमको बोला गया है। जब भी हम बात करते हैं मलेशियन एयरक्राफ्ट टेंडर के बारे में, यानी मलेशियन एयरक्राफ्ट टेंडर को लेकर के पाकिस्तान ने आज तक कैसे दुनिया से एक झूठ बोला है, हम उनको भी एक्सपोज करेंगे। इसके अलावा आज हम मलेशियन डिफेंस एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि तेजस एक कैसा एयरक्राफ्ट है, कैसे मलेशिया के डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर मलेशिया ने तेजस को इग्नोर किया तो ये मलेशिया की एक बड़ी गलती होगी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों विषयों पर बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, आपको पता है कि मलेशिया 36 की संख्या में जेट्स को प्रोक्योर करना चाहता है। वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तलाश में है। आपको बता दें कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हम जब भी कहेंगे तो हमारा तात्पर्य तेजस से नहीं होने वाला, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक कैटेगरी है जिसमें तेजस भी आता है। मलेशिया दरअसल 2022 में 18 जेट खरीदेगा और बाद में 2025 में फिर से वो 18 जेट की डील करेंगे। और उनका ये मानना है कि जो जेट अभी खरीदे जाएंगे, इन्हीं के एडिशनल बैच वो दूसरे जेट भी होंगे। तो इसको लेकर के भारत के डिफेंस एक्सपर्ट ने अपनी राय तो बहुत दी, आपने बहुत कुछ सुना, लेकिन आज हम जानेंगे मलेशिया के टॉप डिफेंस एनालिस्ट मोहरिम अब्बास का एक आर्टिकल जिसमें उन्होंने तेजस को लेकर के कुछ बड़ी बातें कही हैं। मोहरिम अब्बास अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि जिस प्रकार मलेशियन सरकार इस टेंडर को लेकर के आगे बढ़ रही है, उससे यह स्पष्ट है कि ये जो टेंडर है ये 2022 में होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि माना जा रहा था कि मार्च लास्ट तक या अप्रैल के पहले हफ्ते में इसको लेकर के रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और एक विजेता भी घोषित हो जाएगा जो मलेशिया के लिए अपने जेट्स की सप्लाई शुरू करेगा। लेकिन अब उनके लेटेस्ट ब्लॉग में ये माना जा रहा है कि जो टेंडर प्रक्रिया है वो थोड़ी आगे बढ़ी है और मार्च में या अप्रैल में इसका निर्णय नहीं आएगा। उन्होंने ये भी कंफर्म किया है। अब यहाँ पे हम पाकिस्तान के उस झूठ को एक्सपोज करने वाले हैं जो आपको JF-17 को लेकर के सुनाया गया है। आपको पता होगा पाकिस्तानी हमेशा से ये कहते रहे हैं कि मलेशिया की रेस में JF-17 तेजस को पिछड़ा देगा। JF-17 थंडर तेजस से बहुत ज़्यादा आगे है और वो जीतने वाला है। और हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ट्विटर का एक फेमस कह सकते हैं पेज है जिसका नाम नसर है, वो लगातार ये दावा करते रहे हैं कि पाकिस्तान का ये जेट टेंडर जीत चुका है। तो आइए उनके इस झूठ को एक्सपोज करते हैं। साफ साफ मलेशिया ने ये कहा है कि उन्होंने जितने भी कंटेंडर्स थे, यानी जितने भी दावेदार से, उनसे कहा था कि आप जो भी आपका प्रपोजल है वो ले करके मलेशिया पे सबमिट करें। और उसकी अंतिम तिथि रखी गई थी 8 अक्टूबर 2021, यानी इस तय की गई डेट से पहले उनको अपने प्रपोजल मलेशियन गवर्नमेंट के सामने रखने थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ 6 देशों ने उनके इस प्रपोजल का जवाब दिया था, जिनमें पहला तुर्की था, दूसरा कोरिया, भारत, रशिया और इसके अलावा इटली और एक और कोई देश था, चाइना बेसिकली। इसके अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं था, कोई भी जहाज ऐसा नहीं था जिसको लेकर के बात चली हो। चाइना ने भी JF-17 थंडर को नहीं रखा था। चाइना ने अपना कोई दूसरा ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसकी पेशकश करी है। JF-17 थंडर इस रेस में है ही नहीं। जी हाँ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस रेस में JF-17 थंडर का नाम ही नहीं है, तो इसके जीतने की संभावना पैदा ही नहीं होती। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर मलेशिया सेलेक्ट करना चाहे तो ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जैसा चीन के साथ विवाद चल रहा है उसको देख करके लगता नहीं है कि वो जहाज को कभी एक्सेप्ट करेंगे। अब बात करते हैं कि मलेशिया के डिफेंस एक्सपर्ट इसको लेकर के क्या सोचते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को। तो अब्बास ने अपने आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि मलेशिया अगर किसी कॉस्ट इफेक्टिव जहाज को पसंद करती है तो वो लियोनार्डो का M346 हो सकता है या कोरिया का FA-50। लेकिन अगर मलेशिया को एक कंप्लीट पैकेज चाहिए जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस मार्क 1A उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि ये जहाज फुली लोडेड है और ये भारतीय वायुसेना में कार्यरत भी है। और सबसे खास बात यह है कि भारत अब इनको बड़ी संख्या में बना भी रहा है। उन्होंने बताया कि LCA स्पोर्ट बेसिकली LCA लिफ्ट का एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है जिसको LCA स्पोर्ट के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने कहा कि LCA स्पोर्ट हमको वो कैपेबिलिटी ऑफर करता है जो हमें दूसरे जहाज ऑफर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर आप इसके स्पेक्स पे नज़र डालें तो इसमें एडवांस ASA रेडार है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, इसके हथियार काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हैं, काफ़ी अच्छे हैं
और ये मलेशिया के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। और अगर मलेशिया इसको सेलेक्ट नहीं करता तो ये मलेशिया की एक गलती होगी, यानी कि खुद मलेशियन एक्सपोर्ट भी तेजस की कैपेबिलिटी समझते हैं। अगर तेजस डील कभी भी फंसती है तो ये इसके प्राइसिंग को लेकर के फंसेगी या कुछ मॉडिफिकेशन को लेकर के फंसेगी। लेकिन HAL ने पहले ही इनको ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम इसको मॉडिफाई करने के लिए, कस्टमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। तो अभी के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे 3 पॉइंट इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि मलेशिया की पसंद क्या है, पाकिस्तान का झूठ क्या है और भारत का ऑफर क्या है। फिलहाल अभी के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।